इसके आपको पता है कि आप अपने गेम के अंदर ये जो गन स्किन्स होती है इसे बड़े बड़े कैसे कर सकते हो? मतलब यार खुद बैकग्राउंड में देखो ना, ये बंदे से बड़ा तो उसका गन स्किन लग रहा है, बट ये कैसे पॉसिबल है? चलो गाइस, आज की इस वीडियो में इसके पीछे की रियलिटी, इसके पीछे का ग्लिच जो भी है, आज की इस वीडियो में पता करते हैं। और अगर आप भी अपने फ्रेंड्स को शॉक करना चाहते हो ऐसे बड़े बड़े गन स्किन करके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मजेदार होने वाला है। OB39 अपडेट के बाद हमारे गेम में कल्हारी मैप की तो वापसी हो गई, लेकिन हमारा मोस्ट फेवरेट मैप परगेट्री का क्या? तो गाइस परगेट्री के बारे में मेरे पास एक गुड न्यूज है। तो गाइस ये वीडियो आप सभी लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो GWMS चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कैसे आप अब गाइस आप सभी को पता है हमारे गेम के अंदर चल रहा है इंक्यूबेटर एक्सचेंज इवेंट, एंड इस इवेंट की मदद से हम इवोल्यूशन स्टोन की मदद से फ्रेगमेंट्स एक्सचेंज कर सकते हैं मैजिक क्यूब के, और ब्लूप्रिंट से भी एक्सचेंज कर सकते हैं। अब जब ये इवेंट आया तब आपको शायद पता चल ही गया होगा कि हमारे गेम में OB39 अपडेट के बाद से जब OB40 अपडेट आएगा तो उसमें हम लोगों को इंक्यूबेटर ऑल देखने नहीं मिलेगा। मतलब हम लोगों को इलाइट पास की तरह इंक्यूबेटर को भी हमेशा के लिए बाय बाय कहना पड़ेगा। और इसी जल्दबाजी में काफी सारे लोग अपने इवोल्यूशन स्टोन और ब्लूप्रिंट को एक्सचेंज कर रहे हैं टट्टी से फ्रेगमेंट से। तो देखो यार, गरीने का कुछ ही भरोसा नहीं है। आने वाले टाइम में हु नोस कि ब्लूप्रिंट और जो इवोल्यूशन स्टोन है वो रेयर हो जाए, और ये टट्टी से फ्रेगमेंट के बदले क्या पता हमको एक्सचेंज में कुछ अच्छा चीज मिल जाए। अब ये चीज तो फिलहाल 7 या 8 महीने तक पॉसिबल नहीं है, लेकिन यार जो चीज पॉसिबल है वो है मैजिक क्यूब से रिलेटेड। तो गाइस चांसेस आर हाई कि OB40 अपडेट के बाद मैजिक क्यूब सेक्शन में कुछ अच्छे बंडल्स को ऐड किया जाएगा, क्योंकि गरेना फ्री फायर के ऑफिशियल्स हम लोगों से हर चीज में फीडबैक ले रहे हैं। बंडल में फीडबैक ले रहे हैं, मैजिक क्यूब में फीडबैक ले रहे हैं, और तो नए नए इवेंट में फीडबैक ले रहे हैं। तो चांसेस आर हाई कि मैजिक क्यूब में कुछ नए नए एक्सक्लूसिव बंडल देखने मिले, जो सिर्फ वो मैजिक क्यूब एक्सचेंज में ही हमको देखने मिलेगा। तो गाइस लेट्स सी कि ये चेंजेस कब तक होते हैं गेम के अंदर। मेरे को तो चांसेस काफी ज़रा हाई लग रहे हैं, लेकिन गाइस वेट के सिवा हम क्या ही कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, आप सभी लोगों को व्हाइट 444 के बारे में तो पता ही होगा। अब काफी सारे बंदे इसे हैकर कहते हैं, कोई इसे लेजेंड कहता है, और कोई इसे अपना इंस्पिरेशन मानता है। वो तो भाई सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, लेकिन गाइस क्या आपको व्हाइट 444 का एक अचीवमेंट पता है? अब व्हाइट 444 एक बंडल का यूज करता है जो कि बनी बंडल है, लेकिन उसने ग्लिच फाइल की मदद से यूज करके उसे ब्लैक बनी बंडल कर दिया है। और आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, व्हाइट 444 जिस सर्वर में खेलता है वहां पे ग्लिच फाइल यूज करना लीगल है, वहां पे आपका अकाउंट बैन नहीं होगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ग्लिच फाइल यूज करोगे तो आपके अकाउंट को परमानेंटली सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो भाई व्हाइट 444 का सिग्मा देखो, वो बंदे ने जिस बंडल को फेमस किया, जिसे उसने खुद ने बनाया था ग्लिच की मदद से, आज वो गरेना फ्री फायर में एक्सक्लूसिव बंडल आ रहा है। मतलब गरेना फ्री फायर ने व्हाइट 444 के बंडल को चिपका के गेम में डाल दिया है। अब वो कुछ कुछ सर्वर्स में तो आ चुके हैं, इंडियन सर्वर में कब तक आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ बहुत जल्दी आ भी जाएगा। गाइस बनी बंडल अलग है और ब्लैक बनी बंडल अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। ब्लैक बनी बंडल को व्हाइट 444 ने खुद के ग्लिच की मदद से बनाया है, खुद उसने कस्टमाइज किया है। फैक्ट नंबर 3, गाइस बहुत से ऐसे यूट्यूबर जो कि अपने आप को AWM किंग कहते हैं, लेकिन मैं उनको एक्सपोज नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं उन्हें हेट दे रहा हूं। मैंने इस पे पहले एक डेडिकेटेड शॉट बना रखी है, शायद आप लोगों ने नहीं देखा है, तो मैं आपको बता देता हूं जिस बंदे ने नहीं देखा है। एक्चुअली आप बैकग्राउंड में देखते हो कि मैं किस तरह स्नाइपिंग कर रहा हूं, लेकिन इस स्नाइपिंग को यूज करने के लिए सिर्फ उसमें मेरे को एक बटन को दबाना पड़ रहा है। अब भाई ये पॉसिबल कैसे? हाँ भाई पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास PC है, कोई भी PC हो उसमें गेम खेलने के लिए आपको इम्यूलेटर की जरूरत पड़ेगी, और इम्यूलेटर में एक ऑप्शन होता है स्क्रिप्ट करके, स्क्रिप्ट में जाना है आपको और फिर ये वाला चीज लगा लेना है। अब अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, उसे कहते हैं मैक्रो। अब गाइस यहां पे देखो, मैं N को क्लिक करूंगा और ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। ये देखो बैकग्राउंड में स्नाइपिंग देख सकते हो मेरी, बस ये पॉसिबल एक बटन से कर रहा हूं ये, और मैं बड़ी बात नहीं है कोई। और गाइस मैक्रो कोई हैक नहीं होता है, फ्री फायर तो खुद से अलाउ करता है इम्यूलेटर के अंदर, ये कोई हैक नहीं होता है, ये लीगल है। इसे यूज करने के बाद किसी की ID बैन नहीं होती है। और जो अचानक भयंकर जो ग्लू वॉल लगाते हैं ना बहुत ज़रा फास्ट, वो भी मैक्रो के मदद से ही होता है। एक बटन को दबाओ आपका ग्लू वॉल पकड़ के बैठ जाएगा और खुद ही लगा लेगा, आपको 3-4 बटन दबाने की जरूरत नहीं होती है। और हाँ, हर PC प्लेयर ऐसा नहीं होता है, बहुत से PC प्लेयर फेयर भी खेलते हैं, और कुछ एजेंट तो ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज़रा फास्ट स्नैपिंग मोबाइल में भी कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 2, तो गाइस जैसे फ्री फायर गेम में कल्हारी की वापसी हुई, क्या वैसे ही परगेट्री की भी वापसी हो सकती है? देखो यार इसके चांसेस काफी ज़रा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में गरेना फ्री फायर के ऑफिशियल बहुत ज्यादा ही फीडबैक ले रहे हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले फ्री फायर के मन में जो आता था फ्री फायर वही करता था, लेकिन अभी के टाइम पे छोटे छोटे चीज में भी गरेना फ्री फायर फीडबैक ले रहा है हम लोगों से, और जो फीडबैक हम दे रहे हैं उस चीज पे वो काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि फीडबैक लेके छोड़ रहे हैं। अब देखो यार इसके पीछे कोई भी रीजन हो, मेरे को रीजन नहीं जानना है, ये चीज तो अच्छी है कि भाई हम लोगों की बात तो सुनी जा रही है, और सिर्फ हमारे ही नहीं फ्री फायर के ऑफिशियल्स तो ये तक पूछते हैं कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है। तो देखो यार अगर ऐसा ही चलता रहा तो जब नया रैंक सीजन रिसेट होगा उस टाइम पे परगेट्री तो पक्का वापस आ जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर
हर एक यूट्यूबर चाहता है कि परगेटरी मैप गेम में आ जाए और ऑडियंस भी वही चाहती है। आप चाहते हो ना परगेटरी वापस आ जाए? तो यार जल्दी से कमेंट करो #bringbackpurgatory ताकि उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके ऑफिशियल्स को भेज पाऊं। गाइस अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि आप लोगों को फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेगी। तो यार कर लो सब्सक्राइब। बढ़ते हैं फाइनली फैक्ट नंबर 1 की तरफ कि आखिर आप अपने गेम के अंदर गन स्किन्स को कैरेक्टर से भी बड़ा कैसे कर सकते हो। देखो कोई बड़ी बात नहीं है इसको करना, लेकिन आपके अकाउंट में खतरा होगा फिर मुझे मत कहना। हाँ, अगर आपको शो ऑफ करना है तो मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा कि आप वीडियो में शो ऑफ कैसे कर सकते हो अपने दोस्तों के सामने, और अगर आप लोगों को गेम के अंदर शो ऑफ करना है तो फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो पहले वीडियो में शो ऑफ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली गाइस अगर आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखा होगा तो ये एडिटेड वीडियो होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आप एडिटिंग को देख सकते हो आजू बाजू। एंड ये जो वीडियो है उसका मैं क्रेडिट देना चाहूंगा हैकट्यूब को। तो यहाँ पे क्लियरली यही समझ आ रहा है कि भाई ये तो एडिटिंग का पार्ट है, एडिटर जो दिमागदार है वो इस चीज को आराम से कर लेगा। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि एडिट करता है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसको एडिट करना, काफी आसान है। एंड जो दूसरा तरीका आता है वो है ग्लिच फाइल की मदद से। अब जैसे कि मैंने आपके वीडियो को स्टार्टिंग में ही बताया कि ग्लिच फाइल यूज करने से इंडियन सर्वर में आईडी बैन होती है, आईडी परमानेंटली सस्पेंड हो जाती है, यहाँ पे लीगल नहीं है। अगर आपको ग्लिच फाइल यूज करना है तो Y444 का सर्वर में जाओ और वहाँ पे ग्लिच फाइल यूज करके वीडियो बना के आ सकते हो अगर आप ऐसा चाहते हो तो। और ग्लिच फाइल यूज कैसे करते हैं ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है आपको बताऊंगा तो आप उसे यूज करोगे और आपका अकाउंट बैन होगा तो बिल मेल पे फाड़ोगे। वैसे गाइस क्या आपको पता है कि Y444 कौन से सर्वर का है? मुझे तो ये बात पता है, लेकिन क्या आपको पता है? चलो ये चीज मैं जानना चाहता हूँ, तो कमेंट करके बताओ कि Y444 कौन से सर्वर का है। तो होप करता हूं आप लोग आज को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपने खरीद दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू एंड पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।